पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन का सिलसिला जारी। आज अमृतसर के राजा सांसी विधानसभा के गांव में करेंगे संगत दर्शन। जन जन तक सरकार की नीतियां पहुंचाने के लिए अकाली दल शुरू करेगा एक शाम सरकार के साथ मुहिम। 10 जून से लोगों तक पहुंचाई जाएगी पंजाब सरकार की नीतियों की जानकारी। आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन ने हाईकमान से की है और ज्यादा शक्तियां देने की मांग। संत रंजीत सिंह पर हुए जानलेवा हमले की सीबीआई जांच की मांग का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया समर्थन। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, पंजाब पुलिस पूरी ईमानदारी से निभा रही है अपना फर्ज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की जाट आरक्षण से रोक हटाने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जाटों ने 5 जून से आंदोलन शुरू करने की दी है चेतावनी। पांच दिनों के दौरे पर हिमाचल पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। शिमला के पास मशोबरा में द रिट्रीट में करेंगे शिरकत। आईजीएमसी शिमला के गोल्डन जुबली समारोह में भी लेंगे हिस्सा। हिमाचल बीजेपी का प्रदेश सरकार पर आरोप, 3 साल में विकास से अछूता रहा हिमाचल। मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री दिल्ली दौरा और अपनी सीट बचाने में रहे व्यस्त। महिलाओं से छेड़छाड़ करना अब पड़ेगा भारी। महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने की नई पहल। महिलाओं को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद के लिए जारी किया आवेदन। शर्तों के मुताबिक हिंदी बोलने वाले कोच को मिलेगी प्राथमिकता। बड़ा सवाल, क्या रवि शास्त्री को भारतीय टीम का कोच बनने की राह आसान करने के लिए रखी गई है शर्त?